आप देख रहे हैं PLL न्यूज़ और एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं मैं शादाब काजमी। मऊ में टूर्नामेंट हुआ, जो टूर्नामेंट हुआ 3 दिवसीय, उसके बाद आज उस टूर्नामेंट का समापन हो गया जिसका समाचार भी हमने आपको दिखाया, पर उसके बाद लोग पूछने लगे कश्मीर से जो टीम आई थी उसका क्या हुआ, कश्मीर की टीम का क्या हुआ। तो कश्मीर के जो प्लेयर्स थे वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे इन्होंने जो जी क्या नाम है आपका? जी अथर बशीर। अथर भाई, आप आए हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, टूर्नामेंट में प्रतिभाग किया आपकी टीम ने, कैसा रहा, कितने मैच आप लोगों ने खेले? जी टोटल हमने खेले थे 4 मैच, पहले 2 लीग मैच थे जी। पहला मैच हमारा हुआ था नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जी, तो उसमें हमने टोटल 95 रन बनाए थे जी, और 35 रन से हमने जीत लिया था मैच को जी। फिर उसके बाद हमारा दूसरा मैच हुआ था अरुणाचल के साथ जी, वो हमने हारा था। चल हाँ। हमने क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई किया था हाँ। तो क्वार्टर हमारा हुआ था राजस्थान के साथ जी, तो राजस्थान के साथ हमने खेला और वो मैच भी हमने जीता हाँ। उसके बाद हमारे जो सेमीफाइनल्स हुए वो हुए थे बिहार के साथ जी, तो वो मैच किसके साथ, किस सेमीफाइनल किसके साथ पड़ा था? बिहार के साथ जी, वो हारे जी। तो इसके बाद खैर ये सारी जो बातें थी आप जानना चाह रहे थे आखिर कश्मीर की टीम का क्या हुआ, तो आपने सुना जो मैचेस हुए उसके बारे में जो प्लेयर हैं उनके, उन्होंने हमें जानकारी दिया। पर अब आप जो इतना इंटरेस्टेड हैं, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, ख़ासकर कश्मीर की टीम में आपके बारे में काफ़ी जानना भी चाह रहे हैं, कमेंट करके भी कह रहे हैं कि आपका आखिर क्या हुआ, काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, तो उनके इतना ये जो स्नेह और प्यार आपके लिए है यहाँ के लोगों के दिलों में, क्या कहेंगे इस पर? जी मैंने पहले आपसे बोला था कि जी मुझे सबसे पहले 12 टीमों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो जम्मू कश्मीर को ही मिल रहा था, सब चाहते थे यहाँ पे, मैंने उत्तर प्रदेश की 2-3 टीमें थी लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के लोकल सब बोल रहे थे कि J&K ही मैच फाइनल लेके जाना चाहिए, लेकिन कुछ खामियाँ रहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो नहीं रहेंगी, हम वो ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह अगली बार। दिल तो हमने यहाँ के सब के जीत लिए हैं, अगली बार कप हम ही ले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक क्रिकेट के लाइन से जुड़े हुए और इसमें जाहिर सी बात है अपना भविष्य देखते होंगे, तो क्या किस तरह नज़र आता है, क्योंकि कई सारे जो आपके टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने कई बातें की, सैलरी जो है उसको लेकर बताया क्या? जी वो ऐसा हुआ है कि जो कश्मीर वहाँ पे लास्ट टाइम 2019 में रहबरी खेल की एक स्कीम निकली थी जिसमें खाली ये फिजिकल जो BPL MPL करके हैं उनके लिए जॉब्स निकली थी, लेकिन वो जॉब मुझे लगता है लेबर से बदतर है, क्योंकि दिन में 100 रुपया मिलता है उनको, यानी कि महीने के 3,000। वो आप बताइए आज लेबर कितना लेता है 800 रुपया दिन का, वो फ़ायदा क्या है उनके लिए? वो मामूली आम PhD करके हैं, वो लोग MPL MPhil करके हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल को रिप्रेजेंट कर, कुछ तो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन अब आप हो रहे हैं भविष्य हमारा, लेकिन अब ज़्यादातर घर वाले अलो नहीं करते हैं हमें आगे जाने के लिए, क्योंकि इसमें अब कोई उतना अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा है। 3,000 रुपया आज कौन काम करता है दिन में? तो क्या आखिर मांग करेंगे आप? यही मांग हम सरकार से कि इस पर पूरी जांच की जाए कि कहाँ पे गलत हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स, मतलब हर किसी स्पोर्ट तो एक ऐसा चीज़ है कि अगर आज हम देखेंगे कि ज़्यादातर यूथ जो हो रहा है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहा है, अब अगर स्पोर्ट्स की तरह वो बेटर है, लेकिन फ्यूचर भी तो होना चाहिए ना इसमें। खैर, अब आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि मऊ से जाते जाते जहाँ पर आपको इतना स्नेह प्यार और मोहब्बत मिल रही है, क्या कहेंगे जाते जाते? जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि जितनी मऊ ने हमसे बहुत उम्मीदें लगाए रखी थी, तो हम सेमीफाइनल्स में मतलब आउट हो गए, वजह उसकी ये थी कि हम ज़्यादातर कश्मीर में जो लेदर बॉल से खेलते हैं, सॉफ्ट बॉल में उतना इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आके सब पूरी J&K टीम का इंटरेस्ट बढ़ गया है क्योंकि मऊ वालों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पूरी मेहनत करेंगे कि हम दिल तो मैंने आपसे भाई दिल तो हमने जीते, अगली बार हम ट्रॉफी इंशाल्लाह ज़रूर ले जाएंगे। तो ये थे अथर, जिन्होंने सारी जो जानकारियां आपको चाहिए थी वो दी हैं, और बाकी प्लेयर्स जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे आखिर मऊ से जाते जाते क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इरफान है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से हूँ, J&K। आप मऊ में आए और ख़ासकर यहाँ जो टूर्नामेंट था काफ़ी सारी टीमें आई थी, पर आपके लिए जो आम पब्लिक में काफ़ी प्रेम और वो दिख रहा था, मोहब्बत, भाईचारा दिख रहा था, बहुत अच्छा तो, सपोर्ट मिला था यहाँ के लोकल से, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला UP से। तो जाते जाते मऊ वालों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मऊ वालों के लिए हमारा मतलब प्यार उनके लिए बढ़ गया, हमारे हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्यार, और हम उनको भी बोलते हैं आप भी आ जाओ, आप कश्मीर आ जाओ, वहाँ टूर्नामेंट खेलिए, जो जैसा भी होगा तो आ जाओ खेलो, माहौल क्लियर है आ जाओ खेलो। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आकिब है।
कैसा लगा मऊ में आप क्रिकेट खेलने आए टूर्नामेंट? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, खेलने में भी अच्छा लगा यहाँ पे। हम जब यहाँ से आए हैं, जितने भी लोग हमने देखे अच्छे से बात की है, जो भी हमें मिला है उन्होंने हमें कहा है कि आप J&K से हो, हमने जब कहा हाँ, उनके दिल में बहुत सारा प्यार था हमारे लिए और हमारे दिल में भी उनके लिए बहुत सारा प्यार है। अब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आकिफ है। अच्छा, आप जैसे आपके टीम के जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी बता रहे हैं और कमेंट्स में भी दिख रहा है कि यहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी आपके लिए जो है मोहब्बत जता रही है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जाते जाते उन लोगों के ये लिए? हम कहना चाहते, जैसे आपको पता ही है कि हिंदुस्तान जो है डाइवर्स एक कंट्री है, यहाँ पर हर किस्म के रिलीजन के रहते हैं, सो ऑब्वियसली ये लोग हर किसी को मतलब उतना दर्जा देते हैं, इक्वली हर किसी को ट्रीट करते हैं, देख के अच्छा ही लगा। और क्योंकि हम जिस स्टेट लैंड से आते हैं वो डिस्टोपिया ऑलरेडी एक ऐसा लैंड है कि जिसको देखा जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट वैसा कुछ दिखा नहीं। और सीरियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि वी वुड लव टू होस्ट यू पीपल, हम अच्छे से वहाँ पे, अगर हम चाहेंगे कि आप लोग भी आएँ और हम भी इनके साथ बहुत सारा प्यार जता पाएँ। जी अच्छा, तो ये सारे प्लेयर्स थे कश्मीर के जिनके बारे में आप जानना चाह रहे थे, हमने उनसे बात किया और आपको दिखाया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।